आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वीकेंड चर्चा। वैसे तो देश में इस समय गर्मी का माहौल है और साथ ही साथ इस गर्मी में राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है, और जो राजनीतिक गर्मी है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर गर्माहट देने काम कर रही है। राजनीतिक गर्मी की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक गर्मी की शुरुआत जो हुई है वो हुई है ज्ञानवापी मस्जिद वाले बयान से, बवाल से, सिंगर गौरी वाले मंदिर वाले बवाल से, श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाले बवाल से, ताजमहल का तेजो महालय वाले बवाल से, और अभी एक चार दिन पहले कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जाने लगा इस बवाल से। लगातार राजनीतिक रस्साकसी का दौर जारी है और लगातार पक्ष और विपक्ष में जो बयान है उनके दौर भी जारी है। पक्ष के अपने बयान हैं तो विपक्ष में लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिससे राजनीतिक रस्साकसी की दौर जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल में ही AIM जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से सांसद भी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद तो चली गई पर अब ज्ञानवापी मस्जिद को जाने नहीं देंगे, और इनका ये बयान इस समय हलचल में है और लगातार इस बयान पर कटाक्ष भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक चर्चा है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ पर पहले सर्वे का जो आदेश दिया गया था उस पर तमाम आपत्ति की गई, नारेबाजी हुई, विरोध हुआ, और जो सर्वे की रिपोर्ट 10 मई तक देनी थी वो सर्वे हो ही नहीं पाया था। और जो मुस्लिम पक्ष है, जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, उसने एक याचिका दाखिल की थी। उसके बाद वो याचिका दाखिल होने के बाद कहा गया था कि कोर्ट कमिश्नर है अजय कुमार मिश्रा, उनको हटाया जाए। हालांकि ये याचिका खारिज हो गई और कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाया नहीं गया, और कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हीं की अगुवाई में ये सर्वे कराया जाएगा और दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहेंगे। खैर, और 17 तारीख को इस सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी भी है। कल सर्वे का पहला दिन था और पहले दिन में दीवारों के और तहखानों के 4 कमरों का सर्वे हुआ। सूत्रों के अनुसार वहाँ पर कुछ कमल और स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं, जिस पर भी बयानबाजी हुई है, और मुस्लिम पक्ष द्वारा के लोगों द्वारा कहा गया कि ये जो निशान है ये जो पत्थर और ईंट निर्माता हैं उनके निशान हैं। खैर, वो चर्चा का अलग विषय है, आगे जाके सर्वे रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा। अभी सूत्रों के मुताबिक हम लोग किसी बात को बड़ा चढ़ाकर नहीं बता सकते, वो तो सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में के माध्यम साफ हो सकेगा कि कहाँ पर क्या निकला और क्या वीडियोग्राफी हुई। और आज भी सर्वे हुआ, कल 40% हुआ था और आज भी लगभग 40%, यानी टोटल 80% का सर्वे हो गया है। और सर्वे के बाद जो आज भी उसी रस्साकसी का दौर जारी रहा, आज भी बयान आए कि अब तक कई ऐसे दरवाजे थे, कई ऐसे कमरे थे जिनको खोला ही नहीं गया था, जिनमें 2 कमरे तो ऐसे थे जो 1992 के बाद खुले ही नहीं थे। इतने लंबे समय के बाद तक अब तक वहाँ पर कोई आवाजाही नहीं थी, और जब आवाजाही नहीं रहेगी तो स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा कि वहाँ पर क्या है। खैर, 80% सर्वे हो चुका है और कल माना जा सकता है कि आखिरी 20% सर्वे भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों पक्षों की जो सहमति थी उसके हिसाब से काम हुआ। लगभग 36 जो लोग थे दोनों पक्षों शामिल थे। इसके अलावा कौशलराज शर्मा जो कि जिलाधिकारी बनारस ही हैं, इसके अलावा सटीक गणेश जो कि कमिश्नर हैं बनारस के, और दोनों पक्षों के लोग वहाँ पर गए और सर्वे काम शुरू हुआ। आज भी जो गुंबद का सर्वे हुआ, तहखाने के 2 जो कमरे उनका सर्वे हुआ और इसकी वीडियोग्राफी कराई गई। और ख़ास तौर से यहाँ पर मस्जिद की वो जगह जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर भी वीडियोग्राफी कराई गई। खैर, रस्साकसी का दौर जारी है, क्योंकि यहाँ पर मामला एक नहीं है, यहाँ पर मामले 4 हो चुके हैं और लगातार इन मामलों ने राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ा दी हैं। इस चर्चा को शुरू करने के पहले देखते हैं बयान, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिनांक 12 मई को जो सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के द्वारा आदेश किया गया था उसके क्रम में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जो 14 मई को चालू हुई थी वो आज 15 मई को भी चली, और कोर्ट कमीशन के द्वारा आज के कमीशन की कार्रवाई के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि ये कार्रवाई सोमवार को भी चालू रहेगी।
सभी पक्षकारों को उनके द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 2 दिन जो कमीशन का कार्य हुआ बहुत तेज़ी से हुआ, परंतु अभी भी कुछ कार्य है जो किया जाना बाकी है। जो ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर कवर किए जा चुके हैं उन्हीं में से कुछ विस्तृत डिटेलिंग वीडियोग्राफी की कुछ करवाई जानी है, उसके लिए सभी पक्षकारों को बुलाया गया है। तो ये जो कमीशन की कार्रवाई है सोमवार को भी जारी रखी जाएगी। जैसी सुरक्षा व्यवस्था या बाकी सुविधाएं कमीशन को उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे वीडियो के ड्राफ्टमैन इसमें उपलब्ध कराए गए हैं, प्रकाश व्यवस्था के लिए मजदूरों की व्यवस्था, जो बाकी अन्य छोटी मोटी व्यवस्थाएँ उनके द्वारा बताई जाती हैं, वो सारी व्यवस्थाएँ यथावत रहेंगी। इसके अलावा भी कोई निर्देश उनके द्वारा दिए जाते हैं तो प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 जिसमें राज्य सरकार, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर है, उनके द्वारा पालन कराया जाएगा। सारी चीज का कमीशन हो गया है। एहतियात के तौर पर कल एक तारीख निर्धारित कर दिया, क्योंकि कल का समय बचा हुआ है कि अब आप लोग आके ध्यान दिलाइए कि जो छूटा है वो भी हो जाए कम्प्लीट ढंग से। हाँ, इस पर फिर बात आगे बढ़ने, ये सारा मामला अधिवक्ता कमिश्नर हम लोगों का विषय नहीं है, ये मामला न्यायालय का है, इसलिए हम लोग इसमें कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। पूरा वीडियोग्राफी हो गया पूरे परिसर में, जो है लगभग आज काम खत्म हो गया है। मतलब अभी भी थोड़ा बाकी है? अब थोड़ा सा बाकी होगा, बाकी तो है, लेकिन अभी कमिश्नर साहब के ऊपर निर्भर करता है। जानते ही हैं एक एक स्ट्रक्चर सारी चीज़ें, जब कुल पूरे बिल्डिंग में सबूत है तो कितना जल्दी खत्म होगा। तो आपने देखा ये बयान, किस तरह से लोगों ने बयान दिए हैं, जो कि वहाँ के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा थे, हिंदू पक्ष के वकील थे, मुस्लिम पक्ष के वकील थे, और वहाँ के जो हिंदू पक्षकार हैं उनके बयान थे। तो इस डिबेट, इस चर्चा में जोड़ने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, उनसे आपको रूबरू करा दूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो मेहमान है हमारे साथ। देशबंधु दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से मयंक यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आरिफ महमूद रालोट से अपना पक्ष रखेंगे, और विकास मिश्रा सनातन महासभा के संयोजक हैं, अपना पक्ष रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हमारा पहला सवाल रहेगा दीक्षित जी से, कि दीक्षित जी, सर्वे का दूसरा दिन पूरा हो गया है, पर कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो धार्मिक इमारतें हैं इन पर इसी समय ही ये तुलनाएं होनी थी, इसी समय यहाँ पर ये याचिका दाखिल होनी थी, ये क्या है? ये क्या चुनाव की सरगर्मियां हैं कि इसी समय कहा जाए कि ज्ञान बापी, ये सिंगार गौरी मंदिर विवाद 21 का मामला है, अब ये गर्म हो रहा है, इसके बाद ताजमहल तेजो महल, हालांकि उसकी याचिका खारिज कर दी गई है, इसके बाद आपका कुतुब मीनार का मामला चल रहा है, विष्णु स्तंभ की बात कही जा रही है, तो कहीं कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का मामला चला। क्या मानते हैं, मामले अचानक कैसे उत्पन्न हो गए हैं और लगातार इन मामलों पर रस्साकसी का दौर जारी है? ऋषि जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गौरव जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी मिल रही है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, संवेदनशील मुद्दे पे आपने हमें जोड़ा जी। और रही बात, आज आपने ज्ञान बापी मस्जिद का जो मामला उठाया है जी, तो माननीय न्यायालय द्वारा जो फैसला आया है उसका भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है और स्वागत करती है। और रही बात, अब मैं एक बात आपके ऊपर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। देखिए, 16वीं शताब्दी में जब औरंगजेब यहाँ के शासक थे, उस जमाने में बहुत सारी हिंदू संस्कृति की तमाम इमारतें और मंदिर तोड़े गए, और जहाँ तक की बात है औरंगजेब से कई हजारों साल पहले श्री राम और कृष्ण थे। आपने देखा भी होगा, इससे पहले भी अयोध्या प्रकरण में भी यह बात उठी थी, तो एक विरोधी पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर लिखित रूप से कहा श्री राम के अस्तित्व पर ही निशान लगाया और कहा श्री राम भगवान से ही नहीं, ये मात्र कोरी कल्पना है। तो आपको बता दूं, और उसका प्रमाण नासा से लेकर विभिन्न एजेंसियों ने दिया कि श्री राम थे और वहां पर श्री राम मंदिर था, और आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। और देखिए, ये जो भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा बन गया है, ये हमारे विपक्षियों का हमेशा आरोप। लेकिन ये एक बात बार बार कहते थे, मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बताए। हमने मंदिर भी बनाया, डेट भी बताई। अब रही बात आती है मुद्दे की, ज्ञान बापी मस्जिद। देखिए, हजारों साल पहले भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की आस्था का हमेशा सम्मान करती, जब अयोध्या का यह मामला और इसका न्याय आया कि वहां पे श्री राम मंदिर था, तो आज जनता जनार्दन के मन में ये रहा कि और भी तो ऐसी बहुत सारी हिंदू मंदिरों का जो है उस कालखंड में तोड़कर वहां पर विभिन्न प्रकार के मस्जिदों और अन्य चीजों का निर्माण कराया,
चाहे ताजमहल के रूप में तेजो महल हो, चाहे कुतुब मीनार का भी गौरव जी आपने जिक्र किया, उसी तरह ज्ञान वापी मस्जिद का। देखिए ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है, सर्वे आने दीजिए। देखिए सत्य में उतरते वहाँ पे ये बात को गौरव जी आप भी नहीं इनकार कर सकते और आपके प्रतिष्ठित चैनल के सभी दर्शक कि औरंगजेब ने 1664 में ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई और उससे हजारों साल पहले काशी के हर हर महादेव हमारे शंकर जी वहाँ प्रतिष्ठापित रहे, वहाँ काशी के वो देवता भी हैं, काशी की रक्षा भी करते हैं। तो ये सर्वे हो जान दीजिए। और जो आपने कहा 40% पूरा हुआ, आज 80% रुक गया, 20% वह भी पूरा हो जाने दीजिए, सत्य बाहर आएगा। और देखिए बहुत लंबा कालखंड होता है, अगर 1664 की बात करें तो 300-400-500 साल पुरानी बात हुई, और राम और कृष्ण जो है आज से 50 वर्ष, त्रेता और की अगर कल्पना करें, द्वापर की अगर बात करें तो हजारों साल पहले जी। पर यहाँ पर सवाल मेरा केवल ये है कि ये जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो धार्मिक इमारतों पर एक प्रकार से प्रश्न उठाया जा रहा है, ये अभी ही क्यों शुरू हुआ लगातार इस पे मामले पे? क्योंकि ये मामला जो वहाँ के सिंगार गौरी मंदिर में पूजा पाठ का जो मामला था वो तो बहुत पुराना है, लगातार साल में एक बार खोला जाता था, पर ये मामला अभी क्यों शुरू किए गए 21 में, इसके लिए अगस्त 2021 में इसके लिए याचिका दाखिल की गई, और ये क्या माना जा रहा है अभी के मामले क्यों उपज रहे हैं, पहले ये मामले क्यों नहीं उपजे? क्योंकि वहाँ पर तो ये स्थिति बहुत पुरानी है। गौरव जी इस बात का मैं यही उत्तर देता हूँ, जब से हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2014 से भारत की बागडोर संभाली, 8 साल हो गए उसके बाद, तब हाँ जी तब से भारत को, अभी 26 मई को हमारी सरकार के 8 साल भी पूरे होंगे सम्मान के साथ, तब से भारत 135 करोड़ भारतीयों की आस्था का सम्मान करते हुए उन्होंने वह कार्य किया। बताइए अयोध्या विवाद कितने वर्षों तक, या विपक्ष के पास मुद्दे नहीं थे, या विपक्ष को 60 सालों में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए समय नहीं था। अच्छा। लेकिन एक कहते हैं ना, उम्मीद और आस्था का दिया जल जाता है, और एक 135 करोड़ भारतीयों को जब लगा किसी भी विवादित समय पे, अब हमारे देश का सशक्त नेतृत्व एक ऐसे हाथों में है जो हर तरह से सक्षम है। अच्छा। तो एक उम्मीद बनती है, तो ये भी एजेंडे में जाएगा क्या? तो उनको एक उम्मीद जागी, अयोध्या की जगह काशी में भी ये हो सकता है, मथुरा में हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी हमेशा इस मुद्दे में, आपने देखा जब से हमारी पार्टी 1980 में जब से स्थापना हुई, तब से हिंदुओं की आस्था हमारे मुख्य एजेंडे में रहा, और यह जो है ये भी एजेंडे में जाएगा 2024 के लिए। 30 सेकंड और दीजिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो ये बहुत बलवती हो, और कालखंड में आज देख रहे हैं उसी का नतीजा है कि यह जो सर्वे हो रहा है, और सर्वे हो जान दीजिए इसमें किसी को मेरे ख्याल से ना किसी नहीं, मैं तो क्या इतना पूछ रहा हूँ कि ये भी 2024 के लिए कोई एजेंडा बनेगा क्या? और ना मुस्लिम नहीं, देखिए हम एजेंडा कभी नहीं बनाते हैं, हम भारत वर्ष को उन्नत, अभी तो आप बोल रहे थे राम मंदिर हमारे एजेंडे में था, नहीं राम मंदिर मंदिर तो मेरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, ये तो सर्वविदित है गौरव भाई, ये तो आपको नहीं बताना पड़ेगा। हाँ, तो ये भी एजेंडे में जाएगा क्या? पत्रकार हैं आप, तो इतने बड़े पत्रकार हैं ही हैं, लेकिन जो जब हमारी डबल इंजन की सरकार आई और हमारे दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जनता जनार्दन की यह उम्मीदें जगी कि और भी सत्य के सत्य को सत्य में जैसे सत्य की जीत होती है, सत्य सामने आना चाहिए। अभी पूछ लेते हैं आपके साथियों से भी मालूम कर लीजिए, असत्य फैला कर जी जनता को भ्रमक भ्रामक बातों में नहीं फैलाना चाहिए। अच्छा। और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण या हम कहते हैं ये भारतवर्ष एक बहुत वसुधैव कुटुंबकम की भावना का द्योतक है, हम हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा। और सर्वे से किसी को जगह नहीं होनी चाहिए। देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय का पहले भी फैसला आया, उन्होंने मंदिर भी बनाया और मस्जिद के लिए भी सर्वसम्मति से जगत, इसी तरह सर्वे हो जाने दीजिए, अगर कोई बात हो वहां पर क्या था क्या पर, नहीं पर ये भी कहा जा रहा है कि अब ईदगाह यानी जो कृष्ण जन्मभूमि है श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह में वहां पर भी सर्वे किया जाएगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। देखिए आप नहीं देखिए जिस बारे में आप क्योंकि
एक वरिष्ठ प्रवक्ता और बहुत तेज तरार है, आपके पास सूचनाएं होंगी और जिस पर मुझे सूचनाएं नहीं बता रहे हैं, हमें सूचना कोई कंफर्म नहीं है, सूचना बता रहा हूं। और रही बात, लेकिन अगर आपकी बात को ही मैं मान लूं तो देखिए, मैंने कहा आपने देखा बहुत सारे विदेशी आक्रमण हमारे भारतवर्ष पे हुए और भारतवर्ष हमेशा हमारा देश ऐसा रहा लोगों की मदद ही करता रहा, इसका वक्तव्य आपने देखा। अभी श्रीलंका में चाहे कितनों बड़ी आर्थिक स्थिति खराब है लेकिन भारतवर्ष ने वहां पर अरबों डॉलर की मदद, और पाकिस्तान ने अनेकों बार देखिए कुछ चक्र रचा, हमेशा पाकिस्तान हमेशा हमारे देश को दुश्मन ही समझता रहा, लेकिन जो है समय समय पर भारत उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने पूरा भोंकने का काम किया। तो जो सत्य है उसको सामने आ जाने सर्वे होने दीजिए और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दौर जारी है, गर्मी के मौसम में राज्य सरगर्मी बढ़ गई है, पूरे भारतवर्ष को सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्या था क्या नहीं था। देखिए अभी तक इतिहास को बड़ा तोड़ मरोड़ कर छुपा कर रखा गया, और ये आप भी जानते हैं नुकसान भारतवर्ष का हमेशा हुआ, विदेशी आक्रमण से भारत के की संस्कृति को नुकसान तो बहुत हुआ। हमारा भारतवर्ष था जहाँ का नालंदा विश्व प्रसिद्ध था, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे, ऐसी संस्कृतियां थी, ऐसी इमारतें थी जो विश्व प्रसिद्ध थी, लेकिन बाकी साथियों को भी ले लें। मैंग यादव जी हमारे सपा से हैं, मैंग जी दित्य जी के बयान सुने आपने, सत्यमेव जयते, उन्होंने कहा जो भी सच है वो सामने आएगा, पर जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां इस मामले पे बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हम जनता के मुद्दे को छोड़कर और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। खैर समय की मांग है, क्योंकि इस समय ये मुद्दा लगातार चर्चाओं में है, और जिस तरह से पूरे देश का ध्यान इस तरफ केंद्रित भी है कि ज्ञान बापी मस्जिद का सच क्या है, सिंगार गौरी मंदिर का जो मामला है, जो याचिका दाखिल कर गई है, 5 लोगों ने याचिका दाखिल की, ऐसा सच क्या है, तो क्या कहना चाहेंगे मैंग जी? गौरव जी, ज्ञान वापी मामले पर सीधे और साफ शब्दों में समाजवादी पार्टी का कहना है, न्यायालय जो भी फैसला दे रहा है, हम लोग न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, इससे पहले भी न्यायालय ने जो भी फैसले दिए, जो फैसले दिए हम लोगों ने उनका सम्मान किया, और आगे भी जो फैसला आएगा 17 तारीख को हम लोग उसका सम्मान करेंगे। लेकिन बात मुख्य मुद्दे की अगर आती है तो ज्ञान वापी से भी बड़े मुद्दे हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो मोदी सरकार के ऊपर तमाचा होगा, श्रीलंका बनने में हमको बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, श्रीलंका आज तबाही के उस मुहाने पर खड़ा हुआ है कि बस एक हल्का सा धक्का लगने की आवश्यकता है, श्रीलंका विश्व के नक्शे से खत्म हो जाएगा। हम भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम भी मोदी सरकार ने हमको भी लगभग उसी के करीब कर दिया है। बात हम अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो आए दिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस इतनी ज्यादा क्रूर हो चुकी है, हम ये भी कहते हैं अगर कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस हत्यारी है तो ये पुलिस की एक बदनामी तो जरूर होगी, लेकिन हमें आज कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस हत्यारी है। आज कल फिर सिद्धार्थनगर में एक बेटे को, एक लड़के को पकड़ने जाती है, उसकी माँ को गोली मार देती है। भाई मुद्दे तो ये है ना, मुद्दे है कि गैस सिलेंडर 1040 रुपए उत्तर प्रदेश में हो चुका है, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, रेलवे में 72 लाख पद एकदम जो थर्ड ग्रेड के हैं वो खत्म कर दिए गए, 85,000 और अभी थर्ड ग्रेड के पद हैं 85 लाख, उनको भी खत्म कर दिए। तो क्या चल रहा है हमारे देश में भाई, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी की तरफ ले जा रहे हैं। पर महंग भाई मेरा कहना ये है कि अगर इस तरह से हो रहा है तो विपक्ष क्या कर रहा है, केवल ट्वीट करेंगे कि आगे भी आएंगे? अगर सिलेंडर बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप कह रहे हैं श्रीलंका जैसे हालात से हम दूर नहीं है, तो विपक्ष क्या कर रहा है? कुंभकर्णी नींद में क्यों है विपक्ष भाई? विपक्ष को रोड पे कब आएगा? विपक्ष धरातल पे कब उतरेगा? कब प्रदर्शन होंगे? कब आंदोलन? वो विपक्ष कहाँ गया जो जो जनता के लिए लाठियां खाता था? वो विपक्ष तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा है कि बस ट्वीट के माध्यम से राजनीति हो रही है। अगर आप महंगाई को और बेरोजगारी कोस रहे हो तो उसके लिए रोड पर तो आइए, रोड पर कोई नहीं आना चाहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हत्यारी पुलिस जो हत्याएं कर रही है, 9 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ललितपुर में जो योगी आदित्यनाथ के थानेदार ने बेटी के साथ जो रेप किया उसके परिवार से मुलाकात करने गए, 11 तारीख को जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक बेटी को चंदौली में मारा उससे मुलाकात करने गए, और आंदोलन में बंद वाराणसी जेल में बंद जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनसे मिले गए, फिर उसके अगले दिन अखिलेश यादव जी खुद स्वयं
आजमगढ़ जेल में बंद कार्यकर्ताओं से मिलने गए, तो विपक्ष के बारे में तो ये चीजें ना ही कही जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सड़कों पर हैं, लेकिन अभी जिस चीज की बात हो रही है, जो अपराध बढ़ गया है, ये इन अपराधों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में इस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है, बेरोजगारी महंगाई को ही रोकने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। अच्छा। और हमारी मीडिया हर एक चैनल लगभग ज्ञान नापी अरे भाई, हम लोग और भी दिखाते हैं, महंगाई पर भी है जो कि न्यायालय से पहले उत्तर प्रदेश को आप ज्ञानी बना देंगे। अच्छा। भाई ज्ञान का कुआं है, ज्ञान के कुएं में बहुत कुछ, ज्ञान नापी मतलब ज्ञान का कुआं, ज्ञान के कुएं से भी बहुत कुछ निकल जाएगा, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के सामने आएगा। उससे पहले अगर अगर हम बेरोजगारी पे डिबेट कर लें, महंगाई पर डिबेट कर लें, नहीं, लेकिन जो चीजें समाज को बांटने का काम करती है, हम उन पे बात करें। अभी कश्मीर की बड़ी बात चल रही थी, कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई, वो कहां, विवेक अग्निहोत्री कहां चले गए, करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया, करोड़ों रुपए, अरे भाई उसके परिवार की मदद क्यों नहीं करते, जो विस्थापित कश्मीरी है उनको पैसा क्यों नहीं देते, उस समय तो बड़ा वो कश्मीरी तो हमारे भाई बाप है, अब कहां भाग गए वो, कश्मीरियों की मदद कोई नहीं कर रहा, उनके नाम पर ये लोग व्यापार कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की क्या बात कही जाए, वो तो गुजरात के लोग चला ही रहे, गुजरात का एक गैंग चला ही रहा है, वो लोग तो व्यापार करने निकले हैं, व्यापार में वो अपना फायदा देख रहे हैं, देश जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में, उन लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है कि अपना व्यापार कितना है, हमारे पार्टी के कोष में कितना धन आ गया, उनको इस चीज से अडानी, हमारी चर्चा का मुद्दा ज्ञान भाभी मस्जिद है, आज ज्ञान नापी मस्जिद से जुड़े ये भी मुद्दे हैं। मेरा कहना ये है महक भाई, महक जी, मेरा अगर देश और प्रदेश का मुद्दा है तो प्रदेश और देश के मुद्दे बेरोजगारी महंगाई, योगी आदित्यनाथ की पुलिस का अत्याचार भी मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, पर मेरा कहना ये है कि जो देश दुनिया और समाज से जुड़ता है जी, मेरा प्रश्न केवल ये है कि जो धार्मिक इमारतों का जो सर्वे हो रहा है लगातार, जो चर्चा में आ रही है, क्या मानते देशबंधु ऋषि जी, कहना है सत्यमेव जयते, अगर वहां पर कुछ गलत किया गया है तो जनता के सामने आना चाहिए, तो आप ऐसे सर्वों को आगे जाके और भी इमारतों के सर्वे हो सकते हैं, आप सही मानते हैं समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है या ना? देखिए हम कह रहे हैं 17 तारीख को फैसला आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, हम लोग पहले भी कह चुके हैं, आप फिर कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ, न्यायालय का जो भी फैसला होगा, हम लोग न्यायालय के फैसले के पक्ष में हैं, ठीक है, हमारे लिए मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी मंदिर मस्जिद को मुद्दा नहीं बनाती है, हमारे मुद्दे जो होते हैं वो जनता से जुड़े हुए होते हैं, आम आदमी से जुड़े हुए होते हैं, गरीब किसान मजदूर से जुड़े हुए होते हैं, हम लोग उनकी बात करते हैं। देखिए जो चीजें चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत ही ज्यादा घृणात्मक विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है देश और प्रदेश के अंदर, ये घृणात्मक विचारधारा हमको कहां लेकर जाएगी, साथियों को भी ले लेते हैं, कथित राष्ट्रवाद के जो लोग हैं, ये लोग हिंदुस्तान को इस कदर बांट लेना चाहते हैं कि आदमी एक दूसरे को अगर देखे तो उसका 100 ग्राम खून पहले ही घट जाए, साथियों को ले लेते हैं, इनसे देखिए गुजराती लोग जो होते हैं उनको अपने व्यापार, इनसे जब देश और समाज बटेगा तो गुजरातियों का फायदा है, जो गुजराती एक गैंग, छोटा सा गैंग जो आया हुआ है, वो आज बड़ा व्यापार कर रहा है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वैसे ये गैंग और आया, ये अच्छा, लोग व्यापार कर रहे हैं, सारी चीजों का होल्ड सिर्फ चंद लोगों के हाथ में, पूरे देश का होल्ड चंद लोगों के हाथ में हो गया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई आपको जानकारी है, मतलब हमारा डॉलर कहाँ चला गया, डॉलर और रुपया में अंतर कितना हो गया, फिर कभी चर्चा कर ले भाई, अभी ज्ञान भाभी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ आर्य महमूद जी जुड़े हुए हैं, आर्य भाई महंग भाई अभी आपको लेते हैं, नहीं तो हम करेंगे अभी लेते अरे भाई जुड़े हुए हमारे साथ आरएलडी से, अरे भाई क्या मानते हैं जिस तरह से लगातार जो इमारतों के सर्वे की बात कही जा रही है, ज्ञान भाभी और सिंगार गौरी मंदिर का जो विवाद रहा उस पर सर्वे हो रहा है, आज दूसरा दिन था, 80% सर्वे हो चुका है, क्या मानते हैं कि राजनीतिक सरगर्मियां हैं, राजनीतिक मामला है, बवाल है, या दीक्षित जी का कहना है कि आगे जाके भी ऐसी इमारतों का सर्वे होता रहेगा, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने आने चाहिए, सत्यमेव जयते वो ये बात कह रहे हैं। देखिए गौरव भाई, मुझे दीक्षित जी की तो आवाज नहीं आ रही थी समझने की, वो क्या बोल रहे थे जी, मगर बहरहाल आपने जो मुझसे सवाल पूछा मैं उस पर कह रहा हूँ जी, कि देखिए अभी आप शुरुआत में जिक्र कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब जी,
तो असदुद्दीन ओवैसी साहब तो ये अनर्गल बयान इस तरह से देते रहते हैं। अच्छा। उन्हें तो हैदराबाद से मतलब है, उत्तर प्रदेश में आकर के मुसलमानों को वर्गला करके और हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा करने की बात कर रहे हैं। अच्छा। देखिए मैंने शुरू से, मैंने एक दूसरे चैनल पर हम बैठे थे उस पर भी हमने डिबेट पर कहा था कि पहले दिन जब ये कमीशन गई थी वहां पर सर्वे के लिए और उस वक्त अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोगों ने जो रोका वो उन्होंने गलत रोका, उनको रोकना नहीं चाहिए था। अच्छा। अगर उस दिन उन्होंने रोका था तो दूसरे दिन भी कोर्ट के आदेश को फिर इन्हें रोकना चाहिए था। जब आप जान रहे हैं कि हमारे मुल्क में संविधान है, सब कुछ है और संविधान के ही तहत हमें और आपको चलना है, तो भी जब संविधान ने एक सर्वे कमीशन दे दिया था तो उन्हें रोकने की जरूरत ही नहीं थी। आज अगर वो न रोके होते तो यह असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को मौका भी ना मिलता खड़े होकर के ये बात कहने के लिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है आप कमीशन की रिपोर्ट, आप जब कमीशन जब सर्वे हो जाएगा कमीशन खुद ही इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके ये बताएगा क्या उसमें सच है क्या गलत है कि नहीं, वो जनता के सामने आएगा। मगर जब 91 आर्टिकल के तहत अगर कोई उसमें छेड़छाड़ की जाती है उसमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को इस देश की पार्लियामेंट में आवाज उठाना चाहिए, इसलिए कि कानून जो बनाता उसी पार्लियामेंट में 91 में कानून बनाता नरसिम्हा राव के जमाने में, तो ये आवाज उस वक्त उठाने की है। अभी जो ये कह रहे हैं कि मस्जिद हमसे छीन ली गई और हम ये हो गए वो हो गए, देखिए कोर्ट का आदेश हुआ है, आप अयोध्या मामले में भी कोर्ट का आदेश हुआ है और उसको सभी ने, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, उन्होंने सबने सराहा और कोर्ट की बात को हम लोगों ने माना। अब सवाल ये आता है कि जैसा अभी आपने कहा कि ताजमहल पर भी ये मामला गर्म है, कुतुब मीनार पे भी है, लाल किले पे भी है, तो देखिए लाल किले पे नहीं है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की लाल किले पे नहीं, चलिए कुतुब मीनार और ताजमहल पर है, तो देखिए ताजमहल और कुतुब मीनार से मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं। अच्छा। ये हिंदुस्तान की धरोहर है, ये पर्यटन स्थल बनाया गया है, इसका रेवेन्यू सरकार के पास आता है। हम तो कह रहे हैं कि जिन्हें बहुत ज्यादा उतालापन है, व्याकुल भारत हो रहे हैं, ये ले जाए कुतुब मीनार को उखाड़ करके बर्मा में लगा दें, आरिफ महमूद से क्या लेना देना, ये मुगल कौन हमारे रिश्तेदार थे? अच्छा। ये मुगल आरिफ महमूद के रिश्तेदार नहीं थे गौरव भाई, हम आप तो कहीं से रिश्तेदार हो सकते हैं, 2,000-5,000-1,200 साल पहले हम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम से हिंदू हो गए, हम आप तो रिश्तेदार हो सकते हैं, मगर ये मुगल जो है टर्की के आए हुए लोग थे, मंगोल के आए हुए लोग थे, अफगानिस्तान के आए हुए लोग थे, आरिफ महमूद से उनका कोई रिश्ता नहीं मिलता है, आरिफ महमूद उन अफगानियों के पक्ष में कभी खड़े होने वाले नहीं है। अगर ये और श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाली बात क्या जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाला मामला भी चल रहा है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। कहाँ वाला? श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और ईदगाह वाला मामला चल रहा है। मैं ईदगाह की तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये तो देखिए अगर आपने कोई मुद्दा, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या और भी इसको आगे करके इन्होंने मुद्दा उठाया है, ये तो न्यायालय का मामला है, अदालत का मामला है। अच्छा भाई, अगर ऐसे मामले आते रहेंगे तो आप लोग समर्थन करेंगे? अगर मामला कोई उठता है और कोर्ट में जाता है तो आप लोग कहेंगे हाँ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई? और क्या करेगा आदमी, क्या सड़कों पर आकर के लड़ेगा, क्या कोई लड़ाई लड़ेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, हम तो कुतुब मीनार और ताजमहल के लिए भी नहीं लड़ेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो जोधाबाई जी की अमानत थी, ये उनकी धरोहर है, हम तो उसको दिल से लगाए बैठे हुए हैं, पता नहीं यही तोड़ने पर आमादा है, अपनी बुआ की चीज को पता नहीं क्यों ये तोड़ने के लिए आमादा है। इस पर तो इनको कुछ करना ही नहीं चाहिए भाई, रिश्तेदारी किसकी है? दीक्षित जी की रिश्तेदारी है, ये इनको बतावे कि हाँ भाई ये उनकी बुआ के नाती पोते नहीं थे ये, चाहे जहांगीर हो चाहे शाहजहां हो चाहे औरंगजेब रहे हो, भाई हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो इनकी बुआ की धरोहर है, उसको हम संभाले हुए हैं, इसलिए कि हम भाई हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में एक दोनों एक दूसरे की आंखें हैं, हम लोग मिलकर के यहाँ पे रहना चाहते हैं। अगर ये ज्ञान बापी मस्जिद जोधाबाई जी ने अगर मुसलमानों को दे दिया था तो इनको तो उस पर लड़ना ही नहीं चाहिए था, इनको तो सोचना चाहिए था कि हमारी बुआ ने इस देश के अंदर मुसलमानों को कोई चीज दी है। अगर पता नहीं, मेरे नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज लेकर के अपनी बुआ से नफरत है। अच्छा चलिए ठीक है, हमारे साथ विकास मिश्रा जी सनातन महासभा से बैठे हुए हैं। विकास जी क्या मानते हैं, जिस तरह से मामला चल रहा है, 2 दिन का सर्वे हो चुका है, 80% सर्वे हो चुका है और कल 20% सर्वे भी हो जाएगा, क्या मानते हैं ऐसे जो मुद्दे होते लगातार जो धार्मिक इमारतों के हिंदू धर्म के होने के मुद्दे, अवशेष की बात हो रही है, कहा जा रहा है ये मंदिर तोड़ के बनाए गए इमारतें हैं, क्या मानते हैं इस तरह की राजनीतिक सरगर्मियाँ चल रही है, ऐसे जो मुद्दे हैं वो उनका होना भी आवश्यक है जिससे कि सच्चाई लोगों के सामने आए? देखिए आपकी बात सही है कि राजनीतिक मुद्दा कहीं ना कहीं बन जाता है,
लेकिन रही बात इसकी कि हिंदू इस समय ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको बता दें राम मंदिर का मुद्दा जब हल हो गया और उसमें हमारा राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया, तो हिंदुओं को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि हमारे जो तमाम मुद्दे रहे हैं क्यों ना हम न्यायालय के द्वारा उनको भी हल करवा लें। इसलिए हिंदुओं ने आज के समय में उन मुद्दों को उठाना शुरू किया। जैसा कि अभी आरिफ भाई कही रहे थे कि आक्रांता जो रहे हैं, अकबर रहे, औरंगजेब रहे, उनसे इनका कोई रिश्ता नहीं है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि वो दीक्षित जी के बुआ जी का रहे आगरा का, तो आपको पहले बता दें कि उस समय के इतिहासकार जो थे उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि उन्होंने उनको मुस्लिमों को दे दी थी जमीन, ठीक है ना। चंद्र बरदाई उस समय के एक लेखक थे, उन्होंने जो कविताएं लिखी उन्हें पढ़िएगा, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया। हाँ, ये कहा गया उनसे छीना गया था, ठीक है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ताजमहल से मुस्लिमों को लेना देना नहीं, तो आपको फिर से अवगत करा दें कि फ्राइडे को ताजमहल में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि उसमें आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका लेन देन संपूर्ण है। चौथी बात, ये कई मुद्दे उठे हैं, कई बार यह हुआ है कि भगवा गमछा भी डाल के अगर कोई जाता है तो उसको रोक दिया जाता है, ठीक है, तब भी आप कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं, आप किसी को रोकना नहीं चाहते, आपकी धरोहर आप उठा कर। अरे भाई, ये तो सुनिए, पहले सुनिए, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था तो आप मेरी बात सुनिए फिर बात करिएगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए आरिफ जी, उसके बाद बोलिएगा। हर बार इस तरीके से कहने से कोई फायदा नहीं होता है। अरे भाई, यथार्थ पे आए, यथार्थ पे क्या हो रहा है उसको देखें। अरे भाई, विकास मिश्रा जी है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, है ना। ये विकास मिश्रा बोल रहे हैं। दूसरा, जो अभी आप कुतुब मीनार की जो बात कर रहे थे, कुतुब मीनार पे एक मुद्दा ये उठा था कि उसके अंदर दो मूर्तियां गणेश जी की उल्टी रखी हैं, इस पे मुद्दा उठा था, ठीक है। तो इन सब बातों बात हो रही थी और इसको राजनीतिकरण कहीं से किया जा रहा है, और ये आप खुद जानते हैं, आपको 400 साल का इतिहास आज पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ 400 साल का इतिहास, जिसमें आप सुनिए, सुनिए मुगलों, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, मुगलों की बनाई हुई चीजें हैं, तो मुगलों ने आपके, आप इतिहास पहले पढ़िए तो, मुगलों ने तमाम मंदिरों को तोड़ के बनाई थी, बारी बारी से बोले, मोहब्बत का पैगाम दिया था, मस्जिद और मंदिर को पास में रख करके इन लोगों ने। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, विकास मिश्रा बोल रहे हैं सनातन महासभा से। आरिफ साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप उन आक्रांताओं को मानते नहीं, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया, तो या तो आप मानते हैं या नहीं मानते, पहली बात तो ये रही, ठीक है ना। दूसरा सुनिए, 400 साल के इतिहास के अलावा भारतवर्ष में कोई इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा। अकबर महान था, औरंगजेब ने इतनी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन हमारे सम्राट अशोक भी तो थे, जिनका उस समय भारत सरकार की पहचान है, उनका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमारे शिवाजी महाराज का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इस स्थिति पे जब ला दिया गया, तब हिंदू ने अपने अस्तित्व और आस्था की खातिर इस तरीके से न्यायालय के द्वारा अपना हक मांगने का प्रयास किया। मुसलमान, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तब आप लोगों की तरफ से ही उसमें प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, सर्वे में प्रॉब्लम क्रिएट की गई, वहाँ आके वो ऐसे ही बोलते हैं कि एक मस्जिद हमें चली गई, दूसरी मस्जिद जाने नहीं दूंगा। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि यहाँ के न्यायालय ने उसको साबित किया कि वो मंदिर था, और दूसरे भी अगर यहाँ साबित होगी तो वो मंदिर ही होगा, अगर नहीं साबित होगी तो मस्जिद हो जाएगी। लेकिन उस चीज पे पहले से इस तरीके का बयान देने का क्या मतलब है? आप हिंदू धर्मशालीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको दबाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी के लोगों का नहीं है, आप बीजेपी के लोगों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग दोनों पक्ष को साथ में लेके चल रहे हैं। इससे पहले जो सरकार थी, जिसके अभी प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, जो कह रहे थे उस समय बहुत बढ़िया इनका कार्यकाल था, मान्यवर मैं भी यहाँ मौजूद था, यूपी में ही रहता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, और मैंने भी देखा था सपा सरकार में कितने दंगे हो रहे थे, कितने गुंडागर्दी हो रही थी, और आपके कार्यकर्ता छोटे लेवल के वही करते थे, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि आज दंगे हो रहे हैं, है ना। अगर आप महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, सुनिए, आप अगर महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके समय महंगाई कितनी कम थी? योगी आदित्यनाथ के थानेदार जो रेप कर रहे हैं उसका समर्थन आप कर रहे हैं? आपके समय में तो चंदौली में, आपके समय में तो बोनट पे बैठा के पुलिस को डराया जाता था। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जो यातायात पुलिस थी उसको बोनट पे बैठा के डराते थे। विरोध किया भी सर योगी आदित्यनाथ, विरोध हर एक चीज का करते चले आए, लेकिन जिस मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, मैं क्या दो जी, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ थाने पे क्या हुआ इससे कुछ नहीं होता, केस क्या है, उसकी सत्यता क्या है, उसको जांचने के बाद उस पर बहस की जाती है। आप यहाँ अचानक से उठा के मुद्दा उठा दे और जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, जब आपने बात उछाल दी तो अपनी बात पे रहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
कल योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक मां को मार दिया, आप क्या कहेंगे उस पर? आपने विरोध जताया आज तक? योगी का थानेदार थाने में बलात्कार करता है, आपके मुंह से थूक निकला नहीं निकला ना? आप लोग समाज को बांटने वाला काम ना करिए। आप लोग किसी समाज को बांटने वाला काम तो क्या आपने डिबेट में कर दिया? धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, एकतरफा बातें मत किया करिए। धार्मिक एकतरफा बात आप खुद कर रहे हैं क्या? तो जी अभी आपने अपने स्टेटमेंट में खुद कहा था गुजराती जो है वो ब्रिटिश तरीके से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुजराती क्या भारत से अलग है? क्या आप जातिवाद नहीं फैला रहे? क्या आप इस तरीके के मुद्दे नहीं खड़े कर रहे? और आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आप जिस डिबेट में बैठते हैं आप कभी भी उस मुद्दे बोलना नहीं चाहते और हमेशा महंगाई पे चले आते हैं, तो वोट की राजनीति कौन कर रहा है? खैर जब आप इन मुद्दों पे कोई स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहते हैं, इस समय जो मुद्दा चल रहा है उससे आप भटकाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम समाज को तोड़ रहे हैं। भाई यहाँ पर मुद्दा, अरे भाई यहाँ मुद्दा राजनीतिक नहीं है, यहाँ पर मुद्दा ज्ञान बापी का है। ये बात ये बीजेपी प्रवक्ता नहीं है। आपको पहले बता दूं इसमें नहीं दिख रहा है, मैं क्या तो जी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सनातन महासभा से विकास मिश्रा हूँ, मेरा किसी पार्टी को लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप विपक्ष में बैठ के इस तरीके की बातें करेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा कि मैं आम जनता हूँ और आम जनता तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ राजनीति करना आता तो आप मुझे प्रवक्ता पक्ष में बना देना। राजनीतिक संगठन की लग रही है, अगर आप अपने संगठन की बात करें तो संगठन की बात करें, आप फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात ना करें। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पक्ष लेने के लिए आप गलत उसको समझ रहे हैं। जवाब देते जाइए ना, जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना, आप सुनेंगे तब जवाब मिलेगा ना आपको। चलिए बारी बारी बोलिए। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मैंने पक्ष लिया, मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे पे आपने एक बार भी नहीं बोला, बस ये बोला कोर्ट का जो आदेश आएगा वो मान्य होगा, ये सबको मालूम है, ये हम भी जानते हैं कि कोर्ट सर्वोपरि है, लेकिन उस मुद्दे पे तो कब से बोलिए आप महंगाई पे चले जाएंगे, आप दूसरे मुद्दे चले जाएंगे। अभी जिस घटना पे आप जिस घटना की अभी बात कर रहे थे यहाँ की पुलिस ने किसी घटना जवाब लेते हैं, बोलिए विकास भाई, बोलिए बोलिए अपनी बात पूरी करिए, महंग भाई आपसे लेते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई आप विपक्ष के नेता हैं, आप बैठे हैं, अगर आपसे किसी मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे के बारे में तो कुछ तो बोलिए, हर बार आप महंगाई उस पर बात कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा अभी जिस घटना के बारे में हमने कोई उसका विरोध नहीं किया, तो मान्यवर घटनाओं का कोई विरोध नहीं होता, घटनाओं की जांच होती है उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, जो पुलिस ने किया वो कल एक घटना हुई ठीक है ना, उसके बारे में जब जांच होगी तो उसके विषय में बात होगी, अगर उस पर डिबेट हो रही होगी तो उस पर मैं बोलूंगा, अभी जिस विषय में डिबेट हो रही है उस विषय में बोलिए ठीक है। चलिए दीक्षित जी आप जुड़े हुए हमारे साथ, चले गए दीक्षित जी। मैं सुन रहा हूँ भाई, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सुन रहा है, आप लोग सम जी विकास जी कि ये पहली चीज तो कि हमने बोले ना, हमने हेलो जी हाँ बताए फैसले के साथ है, अब न्यायालय मैंग जी बोल रहे हैं, मैंग जी ले ले, ये मुझे नहीं पता है, अगर ये चाहते हैं कि मैं कोई उलझुल बोलूं या यहाँ डिबेट में बैठा कोई भी व्यक्ति उलझुल बोले तो इनका काम बिल्कुल फिट हो जाए। अरे आप एक संगठन के पहले तो विकास जी को ये क्लियर करना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगाएंगे, वहाँ कहते वो जांच का विषय है, और समाजवादी पार्टी पर तत्काल आरोप लगा देते हैं कि आपकी सरकार में ये होता था। ये दोहरी मानसिकता विकास जी छोड़ दीजिए, आप लोगों ने जो समाज को बांटने का काम किया है ना, ये आप लोगों के बांटने से बचने वाला नहीं है। गैंगरेप पीड़िता के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमंचेबाज गुंडों ने सरेआम पीटा, इस पे आपके मुंह से थूक नहीं निकलता है, आपके मुंह से थूक नहीं निकलेगा। आप लोग सिर्फ वही चीजें बोलना चाहेंगे जिससे समाज में विभाजन पैदा हो। जब साफ शब्दों में बता दिया कि मैं न्यायालय के फैसले के साथ हूँ, अगर इसमें कुछ गलत हो तो आप बता दो, आप चाहते हो कि मैं कोई उलझुल बोलूं तो वो बता दो। मैं जवाब ले, जवाब आप लोग यही चाहते हैं ना, विकास जी लोग यही चाहते हैं कि समाज में विभाजन पैदा हो, कोई उल्टा सीधा बोले। भाई मैं उल्टा सीधा क्यों बोलूं? ना मुझे किसी धर्म से मुझे नफरत नहीं, मुझे अपने धर्म से प्रेम है, तो भाई मैं क्यों बोलूं ये बताइए आप क्या चाहते हैं मैं क्या बोल दूं? विकास जी आप क्या चाहते हैं मैं कौन से शब्द बोल दूं जिससे समाज में विभाजन पैदा हो? विकास जी आप बता दीजिए। मैं आपको ले रहा हूं जी, 2 मिनट ले रहा हूं आपको, विकास जी बोलिए जवाब दीजिए। पहली बात तो मयंक जी पहले थोड़ा सा अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं।
मैंने एक बार भी आपसे ये नहीं बोला कि आप कुछ ऐसा बोले कि विभाजन की स्थिति आ जाए, ठीक है ना। दूसरा जो आप कह रहे थे कि हम, एक सेकंड सुन लीजिए, सुनेंगे तभी तो जान पाएंगे। दूसरा आपने कहा संगठन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो संगठन के बारे में बात करिए। तो भैया मैं सनातन महासभा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आज का मुद्दा ज्ञान व्यापी मस्जिद का है जो सनातन धर्म और इस्लाम धर्म के बीच का है, तो मैं इसको बांटने का प्रयास तो नहीं कर रहा। आपसे एंकर महोदय ने पूछा कि जो इस तरीके की स्थिति है उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या जो और सर्वे और जो एक बात चल रही है उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं। आपने कहा न्यायालय का जो निर्णय है वो मान्य होगा, लेकिन पहले महंगाई की बात कर लें, पहले पुलिस के बारे में बात कर लें, वो क्या गलत कर रही है। तो ये मुद्दों मैंने कहा मैं अपने संगठन को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम जनता के मुद्दों के लिए यहाँ बैठे हुए, हम किसी धर्म के लिए नहीं बैठे हुए। जनता के मुद्दे पे आप फंसे के निकल सकते हो। आज तो मुद्दा जनता का भी है और ज्ञान भाभी मस्जिद भी जनता से ही जुड़ा मुद्दा है महंग भाई, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है। जनता को कल असुद्दीन ओवैसी साहब भी बयान दिए हैं, बयानबाजी हो रही है। नौजवान जो 93,000 पद 97,000 पद सेना में खाली है, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च बिल्कुल बिल्कुल उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे दीक्षित जी हमारे जुड़े हुए, दीक्षित जी जब केंद्र सरकार आप भी हमारे साथ जुड़े हुए, दीक्षित जी क्या कहना चाहेंगे? दीक्षित जी भाई आपको आवाज मिल रही है जी? मिल रही, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए मुझे भी एक मिनट दीजिएगा, मैंने सभी प्रभाव बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। एक तो एक मिनट ध्यान से सुने, बिल्कुल सुनेंगे, बोलिए। जैसा कि अभी मयंक भाई बोल रहे थे तो मैं इनको इतिहास की कम जानकारी, थोड़ा सा मैं इतिहास में पीछे ले जाऊं इनको जानकारी के लिए कुछ तथ्यों को बात साहब जी। देखिए जो तैमूर लंग थे, तैमूर लंग एक विदेशी आक्रमणकारी थे और तैमूर लंग की जो तीसरी पीढ़ी थी उसका नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा एक काबिले के सरदार थे, उनके प्रपौत्र थे बाबर और बाबर ने यहाँ मुगल कालीन स्थापना की और वहीं से बाबर से चलता। मैं सातों पीढ़ियों का नाम बता दूं, बाबर हुए, बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ, हुमायूं का पुत्र अकबर हुआ, अकबर का पुत्र जहांगीर हुआ, जहांगीर का पुत्र शाहजहां हुआ, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ये पूरी मुस्लिम गाथा चली आई और लगभग मुस्लिम जो है आक्रमणकारियों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। और ज्ञान वापी मस्जिद का जो मामला है ये 1664 है और अभी 2021 चल रही है। आपको मैं 400 साल पीछे का भी इतिहास बता दिया और उसके बाद बंधु जी औरंगजेब के पोते का नाम क्या था ये बताइए। हमारे मयंक भाई तो क्या बताएं, आजकल इनको महंगाई का मानसिक, अरे औरंगजेब के पोते का नाम क्या था ये बता दीजिए। जानकारी है और महंगाई के मुद्दे पे मानसिक फोबिया हो जाता है, उससे ये बहुत ज्यादा कुंठित रहते हैं और इनको जो है बार बार महंगाई सताने लगती है। महंगाई सता तो रही है भाई, महंगाई मुद्दा तो है ही भाई। देखिए गौरव भाई आपने कहा ज्ञान वापी मुद्दा, तो इनको थोड़ा इतिहास की बात करूं। और इन्होंने कहा आतंकवाद लूटने आया था, वो यहाँ पर्यटन नहीं बनने आया था। और रही बात आप कहते हैं पोते का नाम क्या है गौरव जी, अगर मेरे बंधु जी तक हमारी आवाज न पहुंच रही हो तो कृपया इनसे जानकारी कर लें कि औरंगजेब के पोते का नाम क्या है। बहुत सारे हिंदू राजा भी हुए, उनकी बातें क्यों? चले बारी बारी बोलेंगे, बारी बारी करेंगे। पहले तो पहले भैया ये आप बता दीजिए कि औरंगजेब के पोते का नाम क्या था। हिंदू जब हमारा जागृत हुआ है मैं भाई बारी बारी आपको लेते हैं। अरे हिंदू छोटा सवाल इनसे पूछ रहे हैं, सत्य को खोजने का एक अवसर मिला भाई। मूल में इतिहास क्या मूल से पूरा इतिहास। अरे बारी बारी बोलिए, अरे भाई बारी बारी से बोलिए। नहीं हजार नहीं हजारों साल पहले जब यह घटना हुई तब राम और कृष्ण थे और उनके अस्तित्व को नकारने वाले आज बात को बता नहीं सकते क्योंकि वो कुंठित मानसिकता है। जिनके लिए राम और कृष्ण का चरित्र कोरी कल्पना है और मात्र घटना है दिखावा है, तो वो महंगाई की बात करेंगे, सफाई की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे। तो देखिए आप महंगाई के बारे में बता दीजिए ना कि 100 दिन में महंगाई सब वापस आ जाएगी, क्यों चिल्ला रहे हैं हम लोग? बंधु जी आप बता दीजिए, कोई हम लोगों को लाइन आप दे दीजिए। जो सर्वे हो रहा है ये माननीय उच्च न्यायालय नहीं, ये महंगाई का सर्वे थोड़ी हो रहा है पार्टी के भाई, ये तो ज्ञान वापी के अंदर का सर्वे हो रहा है। ये महंगाई का मुद्दा नहीं भाई, हमारे कहने ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा महंगाई का मुद्दा नहीं है। दीक्षित जी अपने बयान को खत्म करिए जल्दी, उसका सम्मान करना चाहते हैं, खुदाई सर्वे हो जान दीजिए। अच्छा से बाहर आना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को और प्रदेश की 25 करोड़ जनता को यह मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का इतिहास 1664 औरंगजेब से पहले भी हजारों साल पहले द्वापर और त्रेता में भी था, उस जमाने में बहुत सारी हिंदू संस्कृतियों। और रही बात है हम किसी धर्म जाति के मैं खिलाफ नहीं हूँ,
लेकिन जो सही बात है उसे होना चाहिए। सर्वे से किसी को भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उनके आदेश का पालन होगा और जो सही है वो साक्ष्य सबके समय कम है, समय कम है और जनता जनार्दन की जो समय कम है। चलिए जीते जी, मयंक भाई बोलिए, मयंक भाई बोलिए और सही चीजें सब बोलिए। गौरव जी भाई बोलिए, मयंक भाई बोलिए। दो सवाल आप देशबंधु जी से पूछ दीजिए कि ये फैसला ज्ञान वापी मस्जिद में सर्च ऑपरेशन का कौन सी अदालत ने दिया है, और दूसरा औरंगजेब के परपोते का नाम इनसे पूछो कि इतिहास में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दो सवाल पूछ दीजिए बस। आप मयंक भाई पूछिए क्या कहना चाहेंगे। मयंक भाई, औरंगजेब के परपोते का नाम क्या था, देशबंधु जी से पूछना चाहता हूँ, जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि। और ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे का आदेश कौन सी अदालत ने दिया है, देशबंधु जी से मैं ये भी पूछना चाहूंगा। दीदी जी बताइए, एक बार दोहरा दें, इनकी आवाज इंटरप्ट हो। इनका कहना ये है कि औरंगजेब के परपोते का नाम इनको नहीं पता, वो बता दीजिए। और इनका कहना है कि जो ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे का जो आदेश है वो कौन सी अदालत ने दिया है, ये पूछा जा रहा है। मयंक भाई देखिए, मयंक जी बोल रहे हैं मैं औरंगजेब के परपोते का नहीं, उस परपोते के भी परपोते का नाम बता दूंगा, फिलहाल उसके लड़के का ही नाम बता दूं। बहुत ही कुछ, वो एक कुशासक थे औरंगजेब, और उसके बाद ऐसा कोई उनका एक पुत्र था दारा, जिसको मार दिया गया, तीन पुत्र थे। उसके बाद भी बताना शुरू करूंगा तो एक दिन मेरे से कोचिंग ट्यूशन ले सकते हैं। अच्छा, और जो भी उसका एक सुयोग पुत्र था उसके भी लोग दावा ठोकते हैं। देखिए, जो गलत होता है वो समाप्ति की ओर आ जाता है। अरे चलिए, वो नहीं पता वो छोड़िए, देशबंधु जी अगर आपको वो नहीं पता वो छोड़ दिया, बता दीजिए कि ये सर्वे का आदेश कौन सी अदालत ने दिया है। उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी की, कुछ सर्वे का आदेश पूछ रहे हैं कौन सी अदालत दी है भाई देशबंधु ऋषि जी। जो इन्होंने प्रपोत्र कहा, मैंने पूरा पंचजों की सीरीज ही बता दी उसके प्रपोत्र। अरे वो छोड़िए, वो नहीं पता आपको, हम जान गए। आप बताइए कौन सी अदालत ने आदेश दिया है सर्वे करने का। जो दरवाजे तोड़े गए, मुद्दा इस बात का है, और वो कौन सी अदालत ने दिया भैया, ये तो बताइए आदेश कौन सी अदालत ने दिया, वो पूछे जा रहे हैं। गौरव जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वहाँ जो अवशेष मिले और जो अवशेष के आधार पर उच्चतम न्यायालय को ये लगा कि ये निर्णय होना चाहिए, वहाँ सर्वे होना चाहिए। अच्छा, और रही बात उसके बाद मथुरा काशी, तो आपने देखा होगा इतने भी हमारे गौरव जी, जरा देशबंधु जी से पूछिए फैसला क्या उच्चतम न्यायालय का है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय का है, या कौन सी अदालत का है जी पाया गया, क्योंकि उस समय सही इतिहास। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर और कोचिंग चलती रहेगी, हमारे और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विकास भाई जी दीक्षित जी, विकास मिश्रा जी बोलना चाह रहे, बताइए विकास भाई। देश बंधु दीक्षित जी ने अभी पूरा परिवार रजिस्टर खोला मुगलों का, सर सुन के बड़ा अच्छा लगा, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार जरा उससे पहले के जो हिंदू राजा थे उनका भी अगर खोलते तो ज्यादा अच्छा लगता। जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि 400 साल के इतिहास को दोहराया जा रहा है, आप भी यहाँ बैठ करके वही दोहरा रहे हैं, वो सबको मालूम है, इतिहास में पढ़ रहे हैं, उसके पहले का भी सर बता दें, उसके पहले का भी लोगों को पता होना चाहिए, हमारी आज की युवा पीढ़ियों को पता होना चाहिए, लेकिन वो आप खुद ही नहीं बता रहे हैं और ना पढ़ने में आ रहा है, शिक्षा से हटा दिया गया, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रयास करें ताकि हिंदू राजाओं के बारे में लोग जाने कि वो कितने महान थे। खाली अकबर महान नहीं थे, अकबर तो आक्रांता था, महान तो यहाँ के राजा थे ना, तो उसके बारे में बताएं। चलिए, दूसरा एक चीज गौरव भाई, एक चीज हमसे मिस हो गई थी, आप जब कह रहे थे शुरुआत में कि वहाँ कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं जिसमें कमल के निशान पाए गए हैं, स्वास्तिक पाए गए हैं, जिसपे कुछ लोगों का कहना यह है कि जो बनाने वाले लोग ईंट वगैरह लाए तो उनका निशान लोगो होगा। तो 400 साल का इतिहास जो अभी आपने बताया, उस 400 साल के इतिहास में मेरे समझ से कोई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई लोगो लगा करके कोई ब्रांड बेचा जाए, और ना ही इतना व्यापार में कंपटीशन था कि लोगो लगाए व्यापार बेचा जाए, तो निश्चित ही वो सनातन संस्कृति के ही धरोहर है। चलिए चलिए, अरे भाई अब कम शब्दों में अपना बयान दीजिए, क्या कहना चाहेंगे। गौरव भाई देखिए, वहाँ पर सर्वे हो रहा है, कल भी सर्वे है, 20% सर्वे कल होगा, बाकी 80% निपट चुका है। अभी किसी भी पक्ष का या किसी भी वकील का या कमीशन की तरफ से कोई भी अभी बयान नहीं आया है जी। और अभी ये कहना कि वहाँ पर ये मिला, वहाँ पर ये मिला, वो ये कह रहे हैं कि निर्माता का नंबर है, ये वो है, सब गलत। इस तरह की बयान नहीं होना चाहिए, और न ही किसी पक्ष को कोई एतराज है कि वहां पर सर्वे ना हो। पहले एतराज किया था अंजुमन कमेटी की तरफ से, वो गलत एतराज किया था, उनको नहीं करना चाहिए था, मगर अब इस वक्त कोई एतराज नहीं है,
कमीशन अपना काम वहां पर कर रहा है और जनता को भी यह नरगल बयान से बचना चाहिए। जो कमीशन रिपोर्ट आएगी वो कमीशन उसको सार्वजनिक करेगी, जनता जानेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है इसमें। अभी जिस तरह से राजनीति हो रही है अरे भाई, ये थोड़ा सा मुद्दा जरूर है, फिर काल होगी तब वो अदालत का मामला होगा। इसमें तो अभी जनता के बीच में कोई टूटू मैना होना ही नहीं चाहिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में। चलिए ठीक है, अभी तो भाई कारगिल हम लोगों के जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आरिफ महमूद जी जो कि आरएलडी से पक्ष रख रहे थे। आप सभी महिलाओं का कार्यक्रम में आने की बहुत स्वागत है। तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है, दूसरे सर्वे का कार्य पूरा हो गया, 80% सर्वे हो चुका है और कल भी 20% सर्वे हो जाएगा और 17 तारीख को जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को सौंपी जाएगी। अब इस सर्वे के बाद रिपोर्ट क्या आएगी, कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी है और उसका खुलासा कब होगा और किस तरह किया जाएगा और मीडिया के सामने कब इसकी एक पूरी रिपोर्ट सौंप दिखाई जाएगी कि वहाँ पर क्या मिला है, क्या सर्वे है, क्या वीडियोग्राफी है, किन किन जगह सर्वे हुआ हो, क्या क्या प्राप्ति हुई है। सूत अपनी बात करते हैं और राजनीतिक बयानबाजी के दौर अपने जगह है, पर यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम पक्ष के द्वारा भी और हिंदू पक्ष के द्वारा भी यहाँ पर सहमति के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है, तो वहीं चर्चा के विषय में भी आरएलडी के प्रवक्ता जो आरिफ महमूद थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और पहले जी भी जो विरोध जो इंतजामिया कमेटी ने किया था वो भी गलत था। अगर किसी भी इमारत का, धार्मिक इमारत का सर्वे का आदेश कोर्ट देता है, आदेश देता है और उसकी सर्वे की बात कहता है तो निश्चित रूप से उसका अनुसरण करना चाहिए, उस पर कोई विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए और हमेशा न्यायालय के आदेश का यहाँ पर पालन करते हुए एक आपसी सौहार्द बनाना चाहिए। अब आने वाले समय में क्या होगा, ज्ञानवापी मस्जिद का सत्य क्या आएगा वो फिलहाल बस बताएगा, पर एक बात तो साफ है, जिस तरह से ज्ञानवापी, ताजमहल, तेजो महल है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह और विष्णु स्तंभ, कुतुब मीनार जैसे जो मामले चल रहे हैं वो ये बात स्पष्ट करते हैं कि जो गर्मी है वो अपनी अलग है और राजनीतिक गर्मी भी अपनी अलग चल रही है और लगातार ये मामले देश में चर्चा को गर्म किए हुए हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।